बाड़मेर के रेगिस्तान के बारे में बहुत सुना होगा आपने, मनोज मुंतशिर की वो शेर भी सुनी होगी, ग्लेशियर के तार और बाड़मेर के रेगिस्तान, मैंने डाला भी था। तो ये है बाड़मेर का रेगिस्तान, बहुत मुश्किल इधर सर्वाइव कर पाना। ये बाड़मेर का एक घर है जहाँ पे मैं हूँ फिलहाल, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चीज़ें हैं, सर वेरी क्लासिक। वेलकम टू एबीएस व्लॉग्स गाइस। सुबह सुबह जगते ही मुझे एक ख्याल आया कि मेरा लास्ट जो ट्रिप था बाड़मेर में गया था, वहाँ पे मैंने देखा था 49-50 डिग्री में वहाँ पे गर्मी थी, और वो वीडियो मैंने आप लोगों के सामने अपलोड नहीं किया था। तो आई थॉट कि यार वो वीडियो वैसे भी पड़ा है, क्यों ना आप एक नए एडवेंचर का मजा लें। ठंड का मौसम है और इस ठंड में गर्मी का एहसास करें इस वीडियो को देखने के बाद। तो बाड़मेर सच में बहुत ही मुश्किल प्लेस है सर्वाइव करने के लिए। लास्ट अभी समर में मैं वहाँ पे था, 3-4 दिनों की मेरी ट्रिप थी, और वहाँ पे मैंने देखा वहाँ की लाइफस्टाइल जो है, कैसे लोग वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। तो वो एक मेमोरी जो मेरी रही है आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ इस व्लॉग में, तो देखिए और इन्जॉय करिए। फिलहाल जोधपुर की गर्मी है और ये है मैंगो जूस मेरे हाथों में। मैं जा रहा हूँ बाड़मेर, पर सबसे चैलेंजिंग बात यह है कि इतनी गर्मी में कैसे मैं सर्वाइव करूंगा। यहाँ पे 46-47 डिग्री रहती है और बाड़मेर में 48-49, कभी कभी 50 भी चली जाती है। अभी भी एक महीने गर्मी बाकी है राजस्थान में, तो चलो बाड़मेर की चिलचिलाती गर्मी में क्या क्या एडवेंचर मिलता है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। तुम्हारा भाई शांत नहीं बैठने वाला है। तो जोधपुर से अगर आपको बाड़मेर जाना है, बस लेकर जाना है, तो 300 रुपये आपको फेयर लगेंगे। और यहाँ से बारवी रोड पे एमआर ट्रेवल है, बस स्टॉप है यहाँ पे। एमआर ट्रेवल की बहुत अच्छी बसेस हैं कई सारी। आपको अगर एसी वाली बस से जाना है तो सुबह में और शाम को ही मिलेगी, दोपहर में एसी बस मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ से। और नॉन एसी बसेस तो बहुत सारी है, गर्मी में नॉन एसी मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि आपकी जान निकल जाएगी, यू विल बी डेड। ठीक है, तो 300 रुपये लगते हैं एसी बस की यहाँ से जाने के लिए बाड़मेर के लिए। करीब करीब 3 से 3.5 घंटे का रास्ता है, वहाँ जाओगे बाड़मेर में, और पर्दा जो है पर्दे को हटा कर आप एडवेंचर का मज़ा ले सकते हो। थर्ड फ्लोर ऑफ होटल कैलाश एंड नोबडी लिव्स हियर। मैं इकलौता यहाँ पे हूँ। समटाइम्स आई गेट स्केयर्ड। ये गैलरी है, कोई नहीं है, यू कैन सी दिस इज माई रूम। हाँ जी, तो बाड़मेर के सबसे बड़े सुपरमार्केट में से एक है नेशनल हैंडलूम कॉरपोरेशन। ये बहुत बड़ा सुपरमार्केट है, क्यों है कि इकलौता ऐसा सुपरमार्केट है जो सबसे बड़ा है। यहाँ पे हर तरह की चीज़ें मिलेंगी, बैग्स मिलेंगे आपको, खिलौने मिलेंगे, कपड़े मिलेंगे, ग्रोसरीज के सारे सामान मिल जाएंगे, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल है। ये स्टेशन से बस 100 से 200 मीटर के अंदर ही है, बहुत ही कमाल की जगह है। सिर्फ 250 में इतने बड़े बैग्स मिल रहे हो, माई गॉड। और ये और कहीं नहीं बल्कि ये जो हैंडलूम वाला शोरूम है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके अंदर है। 300 ओनली 300, माय गॉड। और ये कमाल का जो बैग है, साइड बैग, इसके प्राइस देखते हैं, ओनली 225। वाह। It feels like Thar desert.
भाई साहब। वेलकम टू थार डेजर्ट, बाड़मेर के रेगिस्तान। ऐसे होते हैं। बाड़मेर के रेगिस्तान के बारे में बहुत सुना होगा आपने, मनोज मुंतशिर की वो शेर भी सुनी होगी, शिवाचीन के तार, ग्लेशियर के तार और बाड़मेर के रेगिस्तान, मैंने डाला भी था। तो ये है बाड़मेर का रेगिस्तान, बहुत मुश्किल इधर सर्वाइव कर पाना। कुछ घरें हैं इस बीच में, यू कैन इमेजिन कि कुछ कुछ ऐसी घरें हैं जहाँ पे शायद पानी कहाँ से लाते होंगे, आई हैव नो आइडिया। वही हम लोग विजिट पे जा रहे हैं और लोगों से मिलेंगे वहाँ के, एंड विल सी कि कैसे सर्वाइव करते हैं यहाँ के लोग। ओह गॉड, सच में यहाँ पे लाइफ बहुत ही मुश्किल है यार। देखो आप, हर तरफ सिर्फ रेगिस्तान नज़र आ रहे हैं और ऐसी जगह पे कुछ कुछ घरें हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, कितना मुश्किल होगा। ये कनेक्टिविटी से पूरी तरह से दूर है यहाँ के लोग यार, बस उनके पास अगर कोई माध्यम है तो वो बस इंटरनेट है और फ़ोन है, और इंटरनेट आई डोंट नो कैसा रहता होगा यहाँ पे। पीलू कहते हैं इसको, ये अंगूर जैसा है, मैं चाहूँगा दिखाएं इसको प्लीज़। और ये बाड़मेर का बहुत ही फेमस फूड कह लो या फिर फल कह लो, ये मिलता है यहाँ पे। हरीश के पास हमें इनके घर पे हैं। हरीश, क्या नाम है इस इलाके का जगह का? जालीपा। जालीपा, हाँ जालीपा। बीज नहीं खाना है क्या? नहीं, खाने से क्या होगा, पेड़ पेड़ आ जाएगा? नहीं, बीज बहुत इसके खट्टे होते और कड़वे होते। कड़वे होते, कमाल की है, बहुत सही है। थैंक यू सो मच, मिलकर अच्छा लगा। चलो मैं और कंडाराम जी यहाँ पे भोजन कर रहे हैं, कैसा लग रहा है भोजन आपको बताएंगे? खैर आपके लोकल है, आप मैं बता रहा हूँ कैसा लग रहा है। ये कुमट है जिसको कुमट कहते हैं, ये आलू की ककड़ी की वैसा लोकल सब्जी है, और ये जो है ये रायता है, और ये है दाल, और ये मिर्च है, कैर कैर कहते हैं इसको, और ये जो है रबड़ी है शायद, है ना, यहाँ की लोकल रबड़ी, लोकल रबड़ी है, और ये दही है। मिला जुला के बहुत सारे आइटम है भोजन, और बहुत कमाल का भोजन है। मुझे पता है पहले से कि राजस्थान जो है खाने के मामले में बहुत रिच है, बहुत ही अच्छे अच्छे फूड्स मिलते हैं यहाँ पे, सच में बहुत टेस्टी है। मुझे एक बहुत ही कमाल की जगह मिली है, ये मरुधर शॉप है, यहाँ पे आप यहाँ के कल्चर्ड जो ड्रेस होते हैं वैसे मिल जाएंगे सारे। बागाराम जी शॉप के कीपर हैं और यही यहाँ पे चीज़ें बेचते हैं, बनाते हैं, तो बनाते हैं हम तो रोटी। यहाँ पे तेवटा है, वो तेवटा भी बनाते हैं, और साफे भी है, पजामा कुर्ता भी बनाते हैं। साफा, पजामा, कुर्ता, धोती, हाँ, क्या रेट है? ये 1200 रुपये में धोती कुर्ते देते हैं, हाँ, और 1400 रुपये में तेवटा और कुर्ता, 1100 रुपये में कमीज पजामा। ठीक है, और सिंगल सिंगल भी देते हैं? हाँ, सिंगल धोती देते हैं तो 700, और 850 में तेवटा देते हैं। ठीक है, ठीक है। कमाल के सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, आप देख सकते हो, साफा है, धोती है, पायजामे कुर्ते, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर, आप ले सकते हो यहाँ पे। बाड़मेर स्टेशन से 200 मीटर की दूरी पर है भगवती कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर है एलियन टैटू की एक शॉप जहाँ पे अभिषेक सांकला जी हैं। अभिषेक सांकला जी से हम बात करना चाहेंगे और जानेंगे कि आपकी जो टैटूज होती है मोस्टली कहाँ से इंस्पायर्ड होती है? मोस्टली रिलीजन टैटूज होते हैं, जैसे लॉर्ड शिवा हो करके, और भी बहुत सारे जैसे मैंने बताया था आपको, रिलीजन टैटू भी बनवाते हैं लोग, मॉम डैड के टैटूज भी बना, लाइक पोर्ट्रेट्स हो गए, इस टाइप के टैटूज। ठीक है, ठीक है। इसकी इंस्पिरेशन आपको मिली कहाँ से थी, मतलब कैसे आपने टैटू में इंटरेस्ट कैसे जाएगा, कैसे शुरू किया? एक्चुअली मेरे को बचपन में ड्राइंग का बहुत शौक था, तो मैं लाइक मार्कर वगैरह से मेरी बॉडीज पे ड्राइंग वर्क करता था, किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि बचपन में एक बार हमने भी ट्राई किया था, बहुत बेकार बनी थी, काफ़ी थप्पड़ भी खाए थे। तो लाइक मैं जिम वगैरह में जाता था तो फ्रेंड्स वगैरह के ऐसे टेम्पलेट टैटूज करता था मार्कर वगैरह से, तो किसी ने मेरे को बोला कि देखो टैटू फील्ड में जाना चाहिए, ऐसे ऐसे करके मैंने स्टार्ट किया। कितने साल हो गए आपको? अप्रोक्सीमेट को 9-10 ईयर्स हो गए टैटू करते हुए, और मैंने प्रोफेशनल डिग्री ले रखी है। अच्छा अच्छा अच्छा, टैटू की कोई डिग्री होती है? यस यस, मैंने प्रोफेशनली किया हुआ है मुंबई मलाड से, वर्ल्ड फेमस है, काफ़ी मतलब बड़ा इंस्टीट्यूट है जहाँ से लाइक विराट कोहली और अदर सेलिब्रिटी टैटूज बनाते हैं। अच्छा अच्छा, उसका नाम है एलियंस। एलियंस टैटूज है आपने? हाँ, मैंने वहाँ से सर्टिफाइड हूँ।
तो बाड़मेर के अंदर आप मोस्टली थार भूमि के नाम से जानते हैं जगह को, और बहुत ही कम चीज़ें ऐसी मिलेंगी जिसको आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। वैसे भी अगर कुछ आर्टिस्ट मिल जाते, कुछ इस किस्म के बड़े होनहार लोग मिल जाते, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात हो जाती है। तो जी हाँ, आप भगवती कॉम्प्लेक्स के थर्ड फ्लोर पे आएँ कभी भी अगर बाड़मेर में आप आते हैं, तो स्टेशन से जस्ट 200 मीटर दूरी पे है, और यहाँ पे विजिट करें। क्यों ना हो ये, आए मोर कर सा।